चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, COP28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 28वां समीकरण, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी हाँ बिल्कुल, COP28 आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में कंडक्ट किया जा रहा है। चलिए इसके रिगार्डिंग डिटेल्स प्राप्त करते हैं। यू कैन सी वेरियस पिक्चर्स रिगार्डिंग द COP28। अगर इस बात किया जाए इसके पहले संस्करण के बारे में, COP27 जो कंडक्ट हुआ था इजिप्ट में शरम अल शेख के अंदर, COP28 की जिम्मेदारी यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सौंपी गई है। चलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू IPCC रिपोर्ट 2018, CO2 एमिशंस नीड टू बी कट 45% बाय 2030। 2030 तक CO2 का एमिशन 45% तक कम करने की बात की जा रही थी, पेरिस अग्रीमेंट के टारगेट के हिसाब से। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है एक अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन की, UNFCCC की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड को कंट्रीज को क्या क्या स्टेप्स अपनी कंट्रीज के अंदर उठाने हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए, टू रिव्यू द नेशनल कम्युनिकेशंस एंड एमिजन इन्वेंट्रीज सबमिटेड बाय द पार्टीज। तो नेशनल कम्युनिकेशन एमिजन इन्वेंट्री सबमिट की जाती है पार्टीज के द्वारा, उसको रिव्यू करना, टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द पार्टीज, जो भी समीक्षा करना है यहाँ पर मेजर्स टेकन करे गए पार्टीज के द्वारा, जो स्टेप्स लिए गए और क्या प्रोग्रेस मेट की जा रही है अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मीटिंग है हर साल मीट की जाती है, कोप मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज। UNFCCC के बारे में बात किया जाए, 1994 को इसको स्थापित किया गया था टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को स्टेबलाइज करने के लिए और टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज के थ्रेट है, वार्निंग्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर UNFCCC का स्थापना की गई थी। जो पार्टिसिपेंट्स है कोप के आर सिग्नेटरीज हैं UNFCCC के, जितने भी पार्टीज आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर पार्टिसिपेट करती है वो UNFCCC के सिग्नेटरी रहते हैं और हर साल मिलने का वादा करते हैं सिन 1995 से। करंटली बात किया जाए, 198 मेंबर UNFCCC के मौजूद हैं। इट इज वन ऑफ द थ्री रियो कन्वेंशंस, अदर्स आर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। चलिए बात करें हम टाइमलाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ था COP1, जिसे कहा जाता है बर्लिन, 1995 के अंदर। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टुक प्लेस 1995, 1995 पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में कंडक्ट किया गया था। 1992 में बात करें तो अर्थ समिट इन रियो UNFCCC ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए, यहाँ पर सभी शामिल किए थे UNCBD एंड UNCCC को। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है यहाँ पर, 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने की बात सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के दौरान की गई। 2001 के अंदर बात करें मरक्कश अकॉर्ड रिपोर्ट रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटिंग केपी, क्योटो प्रोटोकॉल को रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2001 के अंदर कोप कंडक्ट किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कोप के बारे में, जो कि 2015 के अंदर कंडक्ट किया गया, COP21 पेरिस क्लाइमेट समिट कहा जाता है। इसके अंदर एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल, प्रेफरेबली टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है COP21 पेरिस एग्रीमेंट का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जाती है कोप के रिगार्डिंग। इसमें एक फैसला लिया गया था कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का टेम्परेचर है, उसको 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक स्थापित करने की बात की जा रही थी। वर्ल्ड उस दिशा निर्देश में काम करे जहां पर प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का टेम्परेचर पहुंच पाए। COP19 कंडक्ट की गई थी वॉर्सो अडोप्टेड ग्रीन क्लाइमेट फंड, सबसे पहले ग्रीन क्लाइमेट फंड 2013 COP19 के अंदर कंडक्ट किया गया। चलिए 2021 के अंदर
COP26 ग्लासगो में कंडक्ट की गई 2022, COP27 पिछले साल 2022 के अंदर शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर कंडक्ट किया गया। व्हाट आर द मेजर टेक अवेज फ्रॉम COP27 2022 एट इजिप्ट। मेजर टेक अवेज के अंदर बात करें, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड को स्थापित करने की बात की गई, अवेयर एक्शन के बारे में बात किया, एक्शन ऑन वाटर अडेप्शन और रेजिलेंस। उसके बाद में आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस एक्सिलरेटर फंड IRF को स्थापित करने की बात की गई, ग्लोबल शील्ड प्लान, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म एंड ग्लोबल ऑफशोर विंड एलियंस। भारत के रोल के बारे में बात करें COP27 में क्या रहा, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भारत की तरफ से दिया गया मूल मंत्र। नरेंद्र मोदी ने इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन दिया, दैट इज लाइफ कैंपेन नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था इस मीटिंग के दौरान। लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IIT समिट यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। MOEF, CCC और UNDP यहां पर कोलैबोरेट करेंगे रिगार्डिंग वेरियस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मीटिंग्स। बेसिक मिनिस्ट्रियल मीट मंगरूल अलायंस फॉर क्लाइमेट। पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द COP28 क्लाइमेट समिट। ड्यूरिंग हिज एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्रपोज टू COP33 इन इंडिया इन 2028। बहुत ही मेजर डिसीजन यहां पर कंडक्ट किया गया, अनाउंसमेंट दी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा कि COP33 भारत के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए बात करते हैं यहां पर 2028 के अंदर COP33 कंडक्ट किया जाएगा जिसे भारत होस्ट करेगा। यहां पर नरेंद्र मोदी ने यह एड्रेस करके प्रपोज किया है। चलिए इनका ये प्रस्ताव कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के द्वारा स्वीकार करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। भारत प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर वर्ल्ड लीडर्स के साथ में मीटिंग कंडक्ट किया है, वेरियस वर्ल्ड के लीडर्स से मीट किया है। आप देख सकते हैं यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के वेरियस लीडर्स इन प्रेजेंट ऑफ यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद एंड UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस एट द COP28 समिट इन दुबई। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के साथ में एंड UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद के साथ में नरेंद्र मोदी के पिक्चर्स। इन द मिड्स ऑफ COP28 प्रोसीडिंग्स पीएम मोदी कॉट अप विद द श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रम सिंघे। श्रीलंकन के प्रेसिडेंट यहां पर रानिल विक्रम सिंघे के साथ भी यहां पर इन्होंने मीटिंग कंडक्ट किया। चलिए एक बहुत ही अच्छी हाईलाइट रही यहां पर रिगार्डिंग द इटली और भारत की फ्रेंडशिप। यू कैन सी मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज अ डिलाइट। गुड फ्रेंड्स एट COP28 जॉर्जिया मेलोनी बहुत ही चर्चित रहे थे ड्यूरिंग द G20 समिट और इस चर्चा को और आगे यहां पर बढ़ाया है जॉर्जिया मेलोनी जी ने ट्वीट करते हुए एक फेमस इनकी दोस्ती को नाम दिया है मेलोडी। मेलोडी इज फॉर जॉर्जिया मेलोनी का मेलो वर्ड यूज करके और मोदी जी का ओडी वर्ड करके। तो बहुत ही ज्यादा इन ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है COP28 के रिगार्डिंग। चले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेक्स हैंड्स विद द यूके पीएम ऋषि सुनक एट द COP28 समिट एंड एक्सीलेंट इंटरेक्शन विद यूके पीएम ऋषि सुनक ड्यूरिंग द COP28 दुबई समिट। पीएम मोदी इंटरेक्ट्स विद यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेमिट कैमरून। हाल ही के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन के डेविड कैमरून जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के एंड ऑल्सो फॉर्मर यूके पीएम टोनी ब्लेयर के साथ में नरेंद्र मोदी की जी की कुछ तस्वीरें। पीएम मोदी इंटरेक्शन विद द प्रेसिडेंट ऑफ तजाकिस्तान मिस्टर एमोली रहमान ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP28 इन दुबई। वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से नरेंद्र मोदी को सराहा जाता है, उनको पसंद किया जाता है, वर्ल्ड के वेरियस लीडर्स के साथ में किस तरह की दोस्ती है नरेंद्र मोदी जी की, ये इन पिक्चर्स के थ्रू दर्शाया जा रहा है कि भारत को किस तरीके से एक सुपर पावर की तरह देखा जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। और भारत हमेशा एनवायरमेंट को लेकर सबसे पहले परचम के साथ में खड़ा होता है रेस के अंदर।
नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रोन और सऊदी अरेबिया के साथ में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चर्चे तो हमेशा से ही इनकी दोस्ती के रहे हैं।